तर आता मला त्या ह्याच्यामध्ये जायचं नाही, कारण तो विषय झालाय, संपलाय आता. सर, देवेंद्र फडणवीसांनी सूचना केली आहे की मी राहुल गांधीसाठी संपूर्ण थिएटर बुक करतो, त्यांनी वीर सावरकर पाहावा. मी देवेंद्र फडणवीसांचं पूर्ण जाण्यायेण्याचा खर्च करतो, हॉटेलचा खर्च करतो, त्यांनी मणिपूरमध्ये जाऊन यावं आणि लडाखमध्ये जाऊन यावं. मी खर्च करायला तयार आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी लडाखमध्ये जावं, त्याच्यानंतर दार्जिलिंगमध्ये तो नीरज झिंबा म्हणून आहे, त्यांना दिलेली वचनं कशी मोडली त्यांना जाऊन भेटावं, अरुणाचलमध्ये जाऊन यावं. देवेंद्र फडणवीसांचा जाण्यायेण्याचा राहण्याचा खर्च मी करायला तयार आहे. आणि काश्मीरी पंडितांना त्यांनी भेटावं, आणि पाहिजे तर त्यांचे आता बरेचसे, कारण आता काय ते बॉयकॉट बॉलिवूडवाले आता बॉलिवूडच्या नादी लागलेत, त्याच्यामुळे एखादा प्रोड्युसर घेऊन त्यांनी मणिपूर फाईल्स हा पिक्चर काढावा. अरे ठीक आहे, चलो चर्चा होणार आहे, ती आता 2029 ला होईल. सर हिंदी में कर लीजिए, थांबा थांबा जरा, हिंदी में. रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, और जिस वक्त रैली हो रही है उससे पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं है, परिवारवाद बचाओ रैली है. आपका क्या कहना है? देखो, परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे. परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है. परिवार की जिम्मेदारी लो. मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी. तो सिर्फ मेरा परिवार, मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे. उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया है. सर, बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है. तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है. बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के एक समय में गुरु अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल के गुरु एक समय में अन्ना हजारे थे इसी रामलीला मैदान के अंदर, और इसी रामलीला मैदान में अब जो उनके गुरु हैं वो लालू यादव. आपको वो कह रहे हैं कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट नेता हैं, वो सब एक मंच पे आज एकत्रित हो रहे हैं. तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने जितने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, कल परसों ही सीबीआई ने फाइल क्लोज किया. प्रफुल्ल पटेल, आरोप किसने लगाए थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, आरोप किसने लगाया था? आदर्श का घोटाला, आरोप किसने लगाया था? शरद रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है. तो जनता जो है, भारत की जनता, वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता. और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है. सर, तो परिवार के बाद, परिवारवाद की अगर बात करें, तो आप देखो ना,